नमस्कार, आप देख रहे हैं CCTV 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं जुबैर खान की खास रिपोर्ट। कानपुर के महाराजगंज थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध वाहन को रोका। चोरों ने भागने की कोशिश की, इसके बाद घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों ने कुछ दिन पूर्व महाराजपुर थाना क्षेत्र के रूमा में एक सर्राफा दुकान को अपना निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा करते हुए ACP महाराजपुर हरकेश यादव ने बताया कि ये अंतर जनपदीय चोर गिरोह है जिन पर पहले से 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस ग्रुप में एक आरोपी फरार हो गया जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 4 और 8 कारतूस समेत चोरी का माल भी बरामद किया गया है। सर, आज जो PC हो रहेगी, कौन कौन से खुलासा करे जा रहे हैं? ये दिनांक 22/23/2021 की रात में महाराजपुर थाना अंतर्गत रूमा में एक सर्राफा की दुकान पर चोरी हुई थी, जिसमें महाराजपुर पुलिस और संधान टीम काफ़ी अथक प्रयास से आज इन्होंने घटना का अनावरण किया है। इसमें आज दिनांक 10 जनवरी को रात में करीब 2 बजे इन लोगों ने एक बोलेरो पिकअप गाड़ी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इनके पास से चोरी में जो तिजोरी गई थी वो तिजोरी भी बरामद हुई है। और ये चारों अंतर जनपदीय गैंग के लोग हैं। इसमें एक यश जैन है जो चौबेपुर का रहने वाला है, प्रिंस कुमार ये करारी थाना कौशाम्बी जनपद का रहने वाला है, और रिंकू उर्फ मंजीत ये चकेरी का रहने वाला है, और सुलेमान ये चकेरी का रहने वाला है। ये चारों अभियुक्त तो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से एक एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2-2 कारतूस भी मिले हैं। साथ ही साथ उस चोरी में सर्राफ की दुकान में चोरी में जो गहने गए थे उनमें 695 ग्राम पीली धातु एवं सफ़ेद धातु के आभूषण भी बरामद हुए हैं। इनका जो मेन साथी एक सुधीर था वो भाग गया है, जिसके लिए हम जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे। क्या इनकी कोई गैंग है? मैंने पहले ही बता दिया, ये अंतर जनपदीय गैंग है और इसमें से इन लोगों के विरुद्ध 1.5 दर्जन मुकदमे हैं, और इनमें प्रिंस और यश जैन के विरुद्ध 1.5 दर्जन मुकदमे हैं और बाकी के विरुद्ध भी आधा दर्जन मुकदमे हैं। वो सारे मुकदमे चोरी और नकबजनी के हैं।